हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे, हम पहले तो एक टेबल बना लेते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास क्या है, चार्ज क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसको टेबुलेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ बात करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स की। एटॉमिक मॉडल का मतलब है, यहाँ पर ये जो आपका एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्लेस कहाँ होता है, न्यूट्रॉन का प्लेस कहाँ होता है और प्रोटॉन का प्लेस कहाँ होता है। उसके लिए साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग मॉडल दिए, कई साइंटिस्टों ने उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपने मॉडल दिए, हम उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, इनकी एक टेबुलेशन बनाते हैं। उसमें हमको देखना है, हमको इनका मास क्या है, चार्ज क्या है, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है और डिस्कवरी की किसने की। तो एक टेबुलेशन बना लेते हैं। यहां लिख लेते हैं हम फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं अपने, उनकी बात करेंगे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, थर्ड इज न्यूट्रॉन। अब हम देखते हैं एक्चुअल में इनका सिंबल क्या होता है, इनका मास क्या होता है, उसके बाद देखेंगे मास। उसके बाद देखेंगे इनका चार्ज क्या है और उसके बाद देखेंगे किसने इसको डिस्कवर किया है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के सिंबल की। देखो, इलेक्ट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर सिंपल आप इसको ई से रिप्रेजेंट हो गया ये। देखो एक चीज याद रखो, इनके रिप्रेजेंटेशन में नीचे हम लिखते हैं इनका चार्ज और ऊपर क्या लिखते हैं इनका हम मास। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव नेचर होता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे -1। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का नेचर क्या होता है, नेगेटिव, तो इसको चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, -1। और आपको एक चीज पता है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है भाई, 9.1 × 10⁻³⁻¹ किलोग्राम, जो कि प्रोटॉन के वेट से 1837 टाइम लेसर है। यानी कि हम कह सकते हैं वेट ऑफ प्रोटोन 1837 टाइम ऑफ वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम अगर प्रोटॉन के वेट से इलेक्ट्रॉन का वेट कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन का वेट कितने टाइम लेसर है, 1837 टाइम। तो हम कह सकते हैं अगर हम इसको प्रोटॉन के वेट से कंपेयर करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के वेट को क्या कह सकते हैं, हम नेगलेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि ये 1837 टाइम क्या है, लेसर है। तो इसके वेट को हम प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में क्या मानते हैं, लेसर, यानी कि जीरो, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन का और इस पर मास होता है 9.1 × 10⁻³⁻ किलोग्राम। और आपको पता है इसका चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। और इसकी डिस्कवरी किसने की, डिस्कवर कौन है इलेक्ट्रॉन का, सर जे जे थॉमसन। सेकेंड बात आ रही है प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम देखो हाइड्रोजन एटम से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। आपको पता है इस पर चार्ज क्या होता है, इक्वल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है। लेकिन फर्क क्या है इनके नेचर में, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो नीचे हमने रिप्रेजेंट कर लिया चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही प्रोटॉन का चार्ज है, उसको क्या मान लिया हमने, 1। और प्रोटॉन का जो वेट होता है वो कितना होता है भाई, प्रोटॉन का वेट होता है 1.672 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। इसके इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में 1837 टाइम ग्रेटर होता है और इसके वेट को हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है 1H1, या फिर इसको हम पी से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पी का मतलब प्रोटॉन, नीचे 1 का मतलब क्या होगा, चार्ज, और यहाँ ऊपर 1 का मतलब क्या हो गया, मास। यहाँ तक ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और इसका चार्ज का नेचर क्या था, होता है पॉजिटिव होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और आपको पता होगा प्रोटॉन की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने।
अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की। आपको पता है इसको एन लिखते हैं यहाँ पर हम। एक्चुअल में न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और इसका वेट किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के वेट के इक्वल होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? वन। तो हम लिखेंगे जीरो एन वन, ऊपर वन लिखेंगे, नीचे क्या लगाएंगे? जीरो। जीरो का मतलब चार्ज क्या है? न्यूट्रल है। मास क्या होता है? इक्विवेलेंट ऑफ प्रोटॉन 1.674। हल्का सा डिफरेंस है, हल्का सा। न्यूट्रॉन का वेट प्रोटॉन से ज्यादा होता है। यहाँ पर 72 है, यहाँ पर क्या है? 74 इंटू 10^-27 किलोग्राम। और हम बात करें चार्ज की, तो कोई चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रल होता है। और इसका इसकी डिस्कवरी किसने की थी भाई? चैडविक ने। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स की। एटॉमिक मॉडल का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मॉडल का मतलब है एक एटम्स का ऐसा मॉडल जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या हो? प्लेस हो। अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग मॉडल दिए। अब हम बात करेंगे फॉर एटॉमिक मॉडल। एक ऐसा मॉडल है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है? प्लेस होता है। सबसे पहले जो फर्स्ट अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, वो दिया था सर जे.जे. थॉमसन ने। किसने दिया था? जे.जे. थॉमसन। और उस एटॉमिक मॉडल का उन्होंने नाम रखा वाटरमेलन मॉडल। या फिर आप उन्होंने कहा इसको रेजिन पुडिंग मॉडल। इन्होंने अपने मॉडल्स का नाम रखा वाटरमेलन मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल। और ये मॉडल किसने दिया था आपको? सर जे.जे. थॉमसन ने दिया था। जे.जे. थॉमसन ने दिया। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, जब ये मॉडल आया था तब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी भाई। और आपको पता है इन मोस्टली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है? पूरा जे.जे. थॉमसन को जाता है भाई। तो जे.जे. थॉमसन एक उस टाइम बहुत अच्छा खासा नाम थे, और जिससे उनके जो इक्विवेलेंट फ्रेंड थे, जो साइंटिस्ट थे, वो उनसे भाई नाराज होने लगे थे भाई, उनसे चिढ़ने लगे थे। तो जब उनको जे.जे. थॉमसन मिलते, वहां उनसे एक ही क्वेश्चन पूछते, तुमने ये चीज इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है, बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनमें उनका एटम में स्पेस कहाँ है? एक्चुअल में इनका एटम्स में प्लेस कहाँ है वो बताना आपका जरूरी है। अगर वो नहीं बताओगे तो हमें पता कैसे पड़ेगा ये जो एटम में कैसा दिखता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसमें, प्रोटॉन कहाँ है? तो ये अब वो जे.जे. थॉमसन से कहने लगे थे। अब जे.जे. थॉमसन के दिमाग में यही बात रहती, एक्चुअल में ये एटम होता कैसा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है और प्रोटॉन कहाँ होता है। अब उनके दिमाग में बस यही बात होती। एक टाइप की बात है, वो क्या खा रहे थे? तरबूज यानी कि वाटरमेलन खा रहे थे। उन्होंने वाटरमेलन के दो पीस किए, और तभी उनकी मम्मी ने लाके उन्हें रेजिन दे दिया, सॉरी रेजिन पुडिंग दे दिया, यानी कि खीर दे दी, जिसमें क्या पड़ी हुई थी? किशमिश पड़ी हुई थी। बात समझ आ रही है? तो उन्होंने देखा भाई जो आपका वाटरमेलन है, जो आपका वाटरमेलन है उसका शेप कैसी है, स्फेरिकल शेप है। और जो कटोरी में उन्हें रेजिन यानी कि उन्हें खीर जो लाके दी, उस कटोरी की शेप भी क्या है? स्फेरिकल है। उन्होंने देखा जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, जैसे आपकी मून है वो भी क्या है? स्फेरिकल है। सन क्या है? स्फेरिकल है। अर्थ क्या है? स्फेरिकल है। उन्होंने देखा यानी कि जो वाटर ड्रॉप्स जब गिरती है तो क्या होता है? वो भी क्या होता है? पूरी तरह से स्फेरिकल होती है। तो उन्होंने ये चीज कह दी, ये जो आपका एटम होता है वो क्या होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। किस शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। बात समझ में? उन्होंने क्या कह दिया, ये जो एटम है उसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। और उन्होंने कहा लाइक एज वाटरमेलन, और हम कह सकते हैं पुडिंग, जो पुडिंग में आपका मिल्क होगा यानी कि खीर में जो मिल्क है, और वाटरमेलन जो रेड पार्ट है, उन्होंने कह दिया ये जो पार्ट होगा ये पॉजिटिव पार्ट का होगा। उन्होंने कहा ये जो हमारा वाटरमेलन की तरह, जो वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है पुडिंग में, यानी कि ये जो आपकी खीर है उसमें जो मिल्क है, वो पार्ट स्फीयर का क्या होगा? प्रोटॉन का पार्ट होगा। बात समझ में आ रही है? और आपने देखा होगा वाटरमेलन में बीच बीच में क्या होते हैं, कुछ बीज होते हैं, कुछ सीड्स होते हैं, उसकी जगह यहां पर स्फीयर में क्या होगा? लाइक एज सीड ऑफ वाटरमेलन,
वाटरमेलन वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और आपने देखा होगा खीर में अगर ड्राई फ्रूट्स की बनी हुई है, रेजिन की बनी हुई है, तो रेजिन की जगह उन्होंने क्या लिया, जहां जहां रेजिन है यहाँ पर उसकी तरह वहां यहाँ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उन्होंने क्या कहा, ये जो आपका एटम होता है वो एक्चुअल में है क्या, स्फेरिकल पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि एटम इज द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। उन्होंने क्या कह दिया, ये पूरा एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, लाइक एज वाटरमेलन। रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन, जो आपका रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन होता है वो क्या होता है भाई, उसकी तरह उसको क्या मान लिया, पूरा पॉजिटिव पार्ट मान लिया, यानी कि वाटरमेलन क्या होता है, पूरा रेड पार्ट होता है भी। तो उन्होंने कहा एटम्स इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। जैसे वाटरमेलन में रेड पार्ट है और ये जो आपकी खीर है उसमें मिल्क है, उसको क्या मान लिया अपने, पॉजिटिवली पार्ट। एंड लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन स्फीयर, और बहुत कम अमाउंट में क्या प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, लाइक एज सीड्स इन वाटरमेलन। जिस तरह से वाटरमेलन में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, और रेजिन इन पुडिंग, जिस तरह से खीर में क्या है आपकी किशमिश है यानी कि रेजिन है, और जिस तरह से आपकी वाटरमेलन में सीड्स है उसको क्या मान लिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन मान लिया। और ये जो आपका पूरा स्फीयर था यानी कि जो रेड पार्ट है उसको क्या मान लिया, पूरा पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि ये जो आपका पूरा रेड पार्ट है उसको क्या मान लिया, एक पूरे स्फीयर को क्या मान लिया, पॉजिटिवली चार्ज मान लिया। ज्यादा ज्यादा समझ में आ रही है आपको, पूरे को क्या मान लिया, पॉजिटिवली चार्ज। और उन्होंने क्या कहा, लाइक एट सीड्स, यानी कि वाटरमेलन में सीड बहुत कम कम होते भी, उन्होंने क्या मान लिया, ये क्या है आपका, पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन। जिस तरह से सीड्स होते हैं उस तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। जिस तरह से आपकी खीर में क्या होगी, किसमें रेजिन्स होगी, उस तरह उन्होंने क्या मान लिया, उन्हें इलेक्ट्रॉन्स मान लिया। ये क्या था, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। लेकिन क्या ये एटॉमिक मॉडल सही होगा क्या भाई, ये इतनी बकवासी थ्योरी आपके दिमाग में कुछ आई नहीं रही होगी। आप कहोगे भाई ये पॉजिटिव चार्ज तो बहुत ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज क्या है, बहुत कम है, और ये बकवासी थ्योरी इन चीजों को देख के जे थॉमसन ने दे दी। लेकिन ये मॉडल भी उनका, ये बकवास मॉडल भी उनका 20 ईयर तक चला भाई। ये बकवास जो मॉडल दिया था जे थॉमसन ने वो भी 20 ईयर तक वैलिड हुआ। लेकिन अब इसकी लिमिटेशन क्या थी, एक्चुअल में इनका फेल होने का मतलब क्या था वो समझते हैं भाई। लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन क्या थी हम देख लेते हैं। तो वो लिमिटेशन थी इनकी, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन नहीं कर पाए। एक्चुअल में डाल्टन ने क्या कहा था भाई, ये जो आपका एटम होता है वो आपका आइसोलेटेड स्मॉलर पार्टिकल है, और जिस पर चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उन्होंने क्या कहा था, वो क्या होता है, न्यूट्रल। तो ये जो क्या कर, ये इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को एटम्स की को मेंटेन नहीं कर पाए। और एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस तरह से पड़े होंगे तो ये आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से आगे चिपक जाएंगे, तो ये जो आपका एटम है पूरी तरह से फेल हो जाएगा। एटम एक्चुअल में जो उसका नेचर है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। तो एक्चुअल में ये क्या नहीं मेंटेन कर पाए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। This model cannot be explained overall electrical neutrality of atom। ये जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम होगी उसको मेंटेन नहीं कर पाए। जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने प्रोटॉन होते तभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती। यहां पर पूरा पार्ट तो क्या है, प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव पार्ट क्या है, बहुत कम है भाई। तो ये एक्चुअल में बकवास ही उन्होंने थ्योरी दे दी बस, लेकिन जो बहुत अच्छे टाइम तक चली।
लेकिन ये हमारे लिए कोई भी यूजफुल थ्योरी नहीं हो पाई। यहाँ तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, जे.जे. थॉमसन ने अपना पहला एटॉमिक मॉडल क्या दिया था, लेकिन जब ये उन्होंने अपना मॉडल दिया जब तक न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, उसके उनके एटॉमिक मॉडल आते ही इनकी थ्योरी क्या होगी, पूरी तरह से फेल हो गई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रदरफोर्ड ने अपना क्या एटॉमिक मॉडल दिया था उसकी बात करेंगे। यहां तक आपको ये जे.जे. थॉमसन का एटॉमिक मॉडल समझ में आ गया होगा।